नेशनल मार्शल आर्ट चैंपियनशिप 2024 का आयोजन यूनाइटेड वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स फेडरेशन एशिया के प्रतिष्ठित बैनर के तहत दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में किया गया, जो भारत में मार्शल आर्ट की समृद्ध विविधता और परंपरा को प्रदर्शित करता है। इस साल की चैंपियनशिप का लक्ष्य एथलीटों को अपनी ताकत दिखाने, साथियों से जुड़ने और जश्न मनाने के लिए एक विश्व स्तरीय मंच प्रदान करना है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता और मार्शल आर्टिस्ट विद्युत जामवाल की उपस्थिति हुई। उन्होंने प्रतियोगिता को प्रेरित किया और पदक विजेताओं को पुरस्कार दिया। भारतीय अभिनेता और मार्शल आर्टिस्ट विद्युत जामवाल ने कहा कि मार्शल आर्ट्स के प्रति उनकी विशेषज्ञता और जुनून से प्रतिभागियों को प्रेरणा मिली। यह भव्य आयोजन न केवल मार्शल आर्ट समुदाय के भीतर असाधारण प्रतिभा को उजागर करता है, बल्कि इसका उद्देश्य भी मार्शल आर्ट को बढ़ावा देना है। यह प्रतियोगिता विभिन्न राज्यों के प्रतियोगियों को एक साथ लाकर चैंपियनशिप, राष्ट्रीय एकता और सौहार्द की भावना को प्रोत्साहित करती है। यूनाइटेड वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स फेडरेशन एशिया UWMF ग्लोबल की सहायक कंपनी है, जो दुनिया भर के 115 देशों में मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के सभी रूपों और मार्शल आर्ट की सभी शैलियों और उत्पत्ति के संरक्षण और विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। प्रसिद्ध मार्शल कलाकार और राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर विक्रम कपूर के नेतृत्व में UWMF एशिया भारत में युवाओं की मार्शल आर्ट, आत्मरक्षा, शारीरिक और मानसिक फिटनेस को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है। मैं बहुत समय से इंतजार कर रहा था यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि मेरे एक अजीज दोस्त हैं डॉक्टर सरोज, जिन्होंने मुझे कहा था कि एक इस पैमाने पे वो एक प्रोग्राम आयोजित करेंगे जहाँ पे हिंदुस्तान की अलग अलग मार्शल आर्ट्स की को दिखाया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। और वहीं पे मेरी मुलाकात विक्रम साहब से हुई, जिन्होंने जो एक टॉप मार्शल आर्टिस्ट हैं, और उनके साथ बैठ के आज मैंने देखा कि किस तरह हिंदुस्तान का स्टैंडर्ड बहुत बहुत ऊपर है और हमें ज़रूरत है कि इस तरह का प्रोग्राम आयोजित किया जाए जहाँ पे इस तरह की कलाओं को प्रोत्साहित किया जाए। एंड आई थिंक आपने बहुत बढ़िया काम किया इससे, एंड जिस तरह से पेरेंट्स का सपोर्ट है, बच्चों का सपोर्ट है, फैमिलीज का सपोर्ट है, वो आपने देखा ही है जितने उत्तेजित हैं ये लोग। सो लगता है कि हमारा फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है। हमारी जो इन ग्रोन मार्शल आर्ट्स है, जो हमारे देश की, जैसे गतका से लेके चाहे वो साउथ इंडियन स्टाइल हो, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये उस तरह के बच्चे हैं जैसे मैं भी इन्हीं में से एक था। जब किसी को अगर आपको मौका मिले ना अपनी कला दिखाने का, तो आप में जितनी क्षमता होती है उससे पार जाते हैं। आज आपने देखा था किस तरह से फ्लोर फिसल रही थी, मगर लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रही थी। ये वो लोग हैं, कुछ भी मांगे इनको ऊपर वाला भी देगा, और अगर हम मामूली आदमियों में भी कुछ है तो हम दे सकते हैं। जिस तरह का टैलेंट आज मैंने देखा, आज मैं विक्रम साहब को बता रहा था कि इस तरह का टैलेंट एक मंच में इकट्ठा करना जहाँ पे हिंदुस्तान की अलग अलग कलाओं का को दर्शाया जाए, वो बहुत मुश्किल काम है, और आपने बहुत अच्छा काम किया। एनबीसी न्यूज के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।